नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट आपका स्वागत करते हैं मेरी कुकिंग चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे चिली पनीर की। हाँ, चिली पनीर की, क्यों आ गया ना मुंह में पानी। आप लोगों ने मैंने कभी ना कभी किसी स्ट्रीट पे या रेस्टोरेंट्स में पनीर चिली खाई जरूर होगी, पर कभी इसको घर पे बनाने का सोचा नहीं होगा, या सोचा भी होगा तो वो फ्लेवर नहीं मिला होगा या बनाया होगा। पर आज मैं बताऊंगा आपको घर पे चिली पनीर बनाने का स्ट्रीट स्टाइल। तो चलते हैं कुछ अच्छा बनाने। ये है इंग्रेडिएंट्स पनीर चिली के। ये 3 हरे मिर्च लंबे कटे हुए, 5 से 6 लहसुन की कलियां महीन काटी हुई, अदरक के जूलियंस 1 इंच लंबे अदरक के जूलियंस काट के, मुझे ऐसे ही पसंद है इसलिए मैं लंबे लंबे काटे हैं, शिमला मिर्च के बड़े टुकड़े काटे हुए, 1 ही प्याज के ऊपर का स्किन निकाल करके और अंदर का बारीक काट करके, और 8 से 10 पनीर के क्यूब्स। ये बैटर है, 2 चम्मच कॉर्न स्टार्च और 2 चम्मच मैदे को मिला करके, साथ में नमक और थोड़ा सा फूड कलर डाल करके मैंने बनाया है पनीर को कोट करने के लिए। वेनेगर 3 चम्मच, चिली सॉस 3 चम्मच, टोमेटो सॉस और 1 चम्मच सोया सॉस। हम लोग घर पे चिली पनीर बना तो लेते हैं पर वो रेस्टोरेंट जैसा फ्लेवर आता नहीं है। अब आप सोचते होंगे क्यों नहीं आता है। इसमें 2 चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहला तो हीट, आपने देखा होगा स्ट्रीट्स पे जब कोई भी फूड बनता है तो कितना तेज़ हीट होता है, और वो आग की लपट भी देखी होगी। तो पहला तो ये हीट होता है, बहुत ज़रूरी होती है इतनी हाई हीट, और घर के गैस पे ये पाना लगभग नामुमकिन ही है। तो हम आपको कोशिश करेंगे बताने का कि कैसे उस फ्लेवर को पाया जाए। और दूसरा होता है बर्तन, जिस बर्तन में हम उसको पका रहे हैं, बर्तन हमेशा फैला हुआ बड़ा बर्तन लें। हाँ, इतना भी बड़ा नहीं कि उसको हाथ से आप यूज़ ना कर सकें, हाँ फिर भी बड़ा और फैला रहेगा, जिससे सब्जियाँ पकते वक्त आपस में चिपके ना। तो चलिए बनाते हैं कुछ अच्छा। पैन में 3 से 5 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल ले लेंगे, या उतना जितने में आराम से पनीर फ्राई हो जाए। फिर हीट होने के लिए वेट करेंगे। हीट होने के बाद पनीर के क्यूब्स अच्छे से बैटर में कोट करके एक एक करके डालेंगे और थोड़ा सा पकने देंगे, फिर इसको हम उनको पलटेंगे। देखिए धीरे धीरे ये पक रहा है, और एक बार में ज़्यादा न डालें नहीं तो आपस में सब चिपक जाएगा। 4 से 5 क्यूब्स काफ़ी अच्छे हैं। अब ये पक रहे हैं मीडियम आंच पे, और इनको ज़्यादा पकाना भी नहीं है जिससे ये ज़्यादा हार्ड न हो जाए। अब वेट करेंगे इनका थोड़ा सा पकने का, फिर इनको हम पलटेंगे। ये एक साइड हो गया है, अब इनको हम धीरे धीरे करके एक एक करके पलटेंगे। देखिए ये चिपक गया है क्योंकि मेरा पैन थोड़ा सा बीच में गहरा है, एक जगह सब इकट्ठा हो गया। अगर आप पैन ऐसा ले सकें जिसमें थोड़ा नीचे फ्लैट हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। ये आप जब चलाएंगे तो ये अलग हो जाएंगे। इनको तब तक मैं काट के अलग कर लेता हूँ। धीरे धीरे पकने दें मीडियम आंच में, बहुत जल्दीबाजी न करें, आराम से पलटें, क्योंकि अच्छा बना रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये जो ब्लैक हो रहे हैं इनको लेकर के टेंशन में मत आइएगा, ये अच्छा ही लगता है, ख़राब नहीं लगेगा। हाँ ये है कि थोड़ा सा ब्लैक दिखेगा, मगर पकने के बाद ग्रेवी में इनका कुछ दिखता नहीं, ये एक ही टोन के हो जाते हैं। अब ये एक पहला मेरा वो लॉट हो गया है, अब मैं दूसरा लॉट के लिए वेट करूँगा।
और उनको जल्दी जल्दी पका लेता हूँ। ये होगा। अब उसी पैन में मैंने जो बड़े बड़े शिमला मिर्च और प्याज लिया था उसको डाल के हल्का सा ब्राउन, मतलब केवल सॉफ्ट करना है, पकाना नहीं है पूरी तरह से। तो ये ब्राउन हो गया, मैं इनको निकाल लेता हूँ। अब इसमें मैं डालूँगा मेरे बारीक कटे लहसुन, अदरक और मिर्ची की जो मैंने लंबे लंबे काटे हुए थे। अब इनको थोड़ी देर 5 से 7 सेकेंड, 15 सेकेंड तक पकाएंगे, ज़्यादा नहीं पकाना है। अब इसमें प्याज डालेंगे बारीक कटे हुए जो हमने काटे थे। अब इनको भी थोड़ा सा पका लेंगे हम। अब फ्लेम धीमा कर देंगे और अपने सारे सॉसेस डालेंगे। पहले टोमेटो सॉस 3 चम्मच, मुझे थोड़ा ग्रेवी ज़्यादा अच्छा लगता है तो मैं 3 से 4 चम्मच डाल रहा हूँ, आप अपने टेस्ट के अनुसार इसमें अपना डालें। चिली सॉस 2 चम्मच, 1 चम्मच छोटा सोया सॉस, थोड़ा सा वेनेगर तकरीबन 1 चम्मच, एक आधा चम्मच नमक और एकदम थोड़ा सा अजीनोमोटो, मुझे अजीनोमोटो अच्छा लगता है, और लास्ट में कस्तूरी मेथी। रोस्ट करके डाल सके तो और अच्छा है, नहीं तो ऐसे कोई बात ही नहीं। अब इनको थोड़ी देर सॉस पका लेंगे, फिर इसमें पानी डालेंगे। अब पानी डालने के बाद, पानी मैंने इसलिए डाला है क्योंकि सॉस जले ना, धीरे धीरे करके अपना पक जाएगा, तो वेट करें सॉस के पक जाने का, फिर इसमें हम और पानी डालेंगे। ये देखिए सॉस पक रहा है। अब इसमें मैंने अपने सारे वेजीज डाल दिया है, और जो पहले से फ्राई किया हुआ मेरा पनीर, कैप्सिकम और प्याज था पील्ड ऑफ वाला, उसको मैंने डाल दिया। अब इसमें थोड़ी देर तक इसको पकाऊंगा जिससे ये थोड़ा सा जो फ्राइड पनीर है वो सॉफ्ट हो जाए। थोड़ा सा वेट करूंगा पकने के लिए। थोड़ी थोड़ी देर पे चलाते रहें जिससे ये नीचे चिपके ना। इसमें अभी मैं थोड़ा सा रेड फूल कलर यूज़ करूँगा, ये आपके ऊपर है, आप डालना चाहो ना डालो, कलर से थोड़ा सा अच्छा लगता है। हाँ, कलर हमेशा गुड क्वालिटी का यूज़ कीजिएगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। फूड कलर ये पक रहा है, थोड़ा सा एक बार मैं ऑफ फ्लिप कर देता हूँ इसको जिससे ये नीचे लगे ना, वरना टेस्ट गड़बड़ हो जाएगी। ये तकरीबन तैयार हो गई है। अब इसमें मैंने जो बचा स्टॉक था जिसमें मैंने पनीर डिप किया था बैटर का, वो डालूंगा थोड़ा सा पानी मिला के, जिससे ये ग्रेवी इसका गाढ़ा हो जाए। और थोड़ा सा पानी, मुझे जैसे कि मैंने बताया मुझे ग्रेवीदार पसंद है इस वजह से। अब मैं इसमें थोड़ा सा रेड कलर भी डालूंगा इसी समय। ये मैंने रेड कलर डाल दिया है, थोड़ा सा ही मानिए। अब इसको पकने के लिए थोड़ा छोड़ूंगा, बस ये लास्ट चल रहा है, इसके बाद इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। ये तकरीबन हो गया है। अब इसका कलर देखिए कितना अच्छा आ गया है, एकदम टेस्टी लग रहा है। इसका बस ग्रेवी थोड़ा ठीक हो जाए तो उसके बाद हम बंद करके अब इसको निकालेंगे।
जी मेरे ख्याल से हो गया है अब। बंद करिए, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, मेरा पनीर चिल्ली, आपका पनीर चिल्ली आपके लिए मैंने बनाया है, तो खाइए और इसका टेस्ट का लुत्फ़ उठाइए। ये देखिए इसका कलर देखिए। तो कैसी लगी मेरी चिली पनीर की रेसिपी? अच्छी लगी होगी उम्मीद है। और इसी तरह से घर पे बनाएं और गरम गरम खाएं। चिली पनीर मोस्टली आपको नान्स, जो तंदूरी नान्स होते हैं उसके संग अच्छे लगेंगे। फ्राइड राइस के संग इसका कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया आ जाता है। आज के लिए इतना ही। याद रखिएगा, अगर कुछ अच्छा खाना है तो अच्छा बनाना पड़ेगा। तो अच्छा अच्छा बनाइए और अच्छा अच्छा खाइए और खिलाइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना प्यार दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाइएगा, जिससे मेरी अगली वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँ आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुँच सके। थैंक यू।